आज का जो हमारा टेस्ट है वो जी लास्ट क्लास है फाइलम क्वाड्रेटा की, क्लास में मिलिया। और टेस्ट का पैटर्न हमारा वो ये असेसमेंट टेस्ट है, तो डेफिनेटली देयर आर 50 एमसीक्यूज, और आपने स्लाइड बाय स्लाइड नंबरिंग के साथ अपने एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन करना है। और कोशिश क्या करें कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर जब आप टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो अपनी एमसीक्यू के की पॉइंट्स पे नोट डाउन किया करें, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, और जब रिवाइज करेंगे आप अपनी प्रिपरेशन में उसको रिवाइज करेंगे सब टॉपिक्स को, तो आपको उसमें हेल्प आउट करेगा वो। अगर आपने मैम के लेक्चर को अटेंड किया है, केयरफुली सुना है, उसको नोट डाउन किया है, और अपनी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो कि आपके साथ शेयर की हैं हर हर टॉपिक के बाद, हर लेक्चर के बाद आपने अगर क्लास में मिली है कि उन रीडिंग्स को फॉलो किया है, तो इनशाला आपका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा, और आपने अपने जो आंसर्स हैं उनको ध्यान से मार्क करना है, ताकि एट द एंड ऑफ टेस्ट आप अपना एक जो फाइनल स्कोर है आप उसको खुद से अपने लिए असेस कर सकें कि आपने कितना अच्छा जो है इस क्लास को ममेलिया को कवर किया। स्टार्ट करते हैं। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कोशिश क्या करें कि जब आप लोग ऑनलाइन लेक्चर के लिए आते हैं तो अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया करें, लिंक शेयर किया करें, ताकि वो टाइमली हमारे लेक्चर को ज्वाइन करें और उनका भी जो टेस्ट है वो सही तरीके से अटेम्प्ट हो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। हेयर इन मैमल्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, हेयर्स इन मैमल्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी कलोरेशन, ऑप्शन सी इंसुलेशन, ऑप्शन डी सेंसेशन। क्वेश्चन नंबर टू। एग लेइंग मैमल्स आर ग्रुप्ड एज, एग लेइंग मैमल्स आर ग्रुप्ड एज, गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए यूथेरिया और ऑप्शन बी प्रोटोथेरिया, ऑप्शन सी मेटाथेरिया एंड ऑप्शन डी रुडेंशिया। क्वेश्चन नंबर थ्री। यूथेरियन मैमल्स आर ऑप्शन ए ओविपेरस, ऑप्शन बी ओवोविपेरस, ऑप्शन सी विविपेरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर। फूड स्टोरेज ड्यूरिंग हाइबरनेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ चिपमंक एज इट स्टोर्स इन डैश। आई रिपीट, फूड स्टोरेज ड्यूरिंग हाइबरनेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ चिपमंक एज इट स्टोर्स इन डैश। ऑप्शन ए ब्राउन फैट, ऑप्शन बी ब्लबर, ऑप्शन सी चीक पाउचेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर किसे चेक करते हैं। क्वेश्चन वन टू फोर आई होप आपने इनके आंसर जो है उनको नोट डाउन कर लिया है। आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है इंसुलेशन। हेयर्स इन मैमल्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर टू का राइट ऑप्शन है बी, एग लेइंग मैमल्स आर ग्रुप्ड एज प्रोटोथेरिया।
एंड क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसका राइट ऑप्शन है सी, विथेरियन मैमल्स आर विविपेरस. एंड क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन है सी, फूड स्टोरेज ड्यूरिंग हाइबरनेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ चिपमंक एज इट स्टोर्स फूड इन चीक पाउचेस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, एनिमल्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर रुडेंशिया हैव, ऑप्शन ए शॉर्ट इंसाइजर्स, ऑप्शन बी लॉन्ग इंसाइजर्स, ऑप्शन सी लॉन्ग कैनाइंस एंड ऑप्शन डी लॉन्ग मोलर्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाथेरियन मैमल, which of the following is a metatherian mammal, option a shrew, option b pangolin, option c kangaroo and option d echidna. Question number 7, populations of prairie dogs live in large groups known as, populations of prairie dogs live in large groups known as, option A herds, option B school, option C towns and option D flocks. Question number 8. The sweat glands in mammals are primarily responsible for, option A removal of excess salt, option B killing of bacteria, option C regulation of body heat and option D all of these. आंसर कैसे चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट ऑप्शन है बी, लॉन्ग इंसाइजर्स, एनिमल्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर रुडेंशिया हैव लॉन्ग इंसाइजर्स. एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी, कैंगरू, कैंगरू बिलोंग्स टू मेटाथेरियन. क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन है सी, populations of prairie dogs live in large groups and that groups are named as towns. And question number 8 ka jo right option hai, that is C, regulation of body heat, option C. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, इकोलोकेशन इन मैमल्स इज अ प्रोसेस ऑफ, आई रिपीट, इकोलोकेशन इन मैमल्स इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए हियरिंग, ऑप्शन बी विजन, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. Question number 10. After short gestation period, female of dash give birth to several jars which are of the size of honeybee. Long statement hai, I repeat. After short gestation period, female of dash give birth to several jars which are of the size of honeybee. Given options mein, option A kangaroo, option B bats,
ऑप्शन सी अपूजम एंड ऑप्शन डी लीमर. क्वेश्चन नंबर 11. डैश ग्लैंड्स आर फाउंड अराउंड द फेस फीट और एनस ऑफ मेनी मैमल्स. आई रिपीट, डैश ग्लैंड्स आर फाउंड अराउंड द फेस फीट और एनस ऑफ मेनी मैमल्स. ऑप्शंस में ऑप्शन ए मेमोरी ग्लैंड्स, ऑप्शन बी ऑयल ग्लैंड्स, ऑप्शन सी स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी मस्क ग्लैंड्स. क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is the largest mammalian order? Option A, carnivore. Option B, rodentia. Option C, sirenia. Option D, primates. आई होप आपने आप क्वेश्चन 9 से 12 तक के आंसर्स को नोट डाउन कर लिया है. आंसर किसे चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है सी. इकोलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है सी. अपूजम आफ्टर शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड फीमेल ऑफ अपूजम गिव बर्थ टू सेवरल जॉयज विच आर ऑफ द साइज ऑफ हनी बी. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है डी. मस्क ग्लैंड्स आर फाउंड अराउंड द फेस फीट एनस ऑफ मेनी मैमल्स. एंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी रुडेंशिया. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स एक्सेप्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स एक्सेप्ट. ऑप्शन ए मंकीज, ऑप्शन बी लीमर, ऑप्शन सी बीवर्स एंड ऑप्शन डी एप्स. क्वेश्चन नंबर 14. ऑर्डर इडेंटेटा इंक्लूड्स ऑप्शन ए आर्माडिलोज, ऑप्शन बी ट्री स्लॉथ्स, ऑप्शन सी एंट ईटर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 15. Order Lagomorpha includes option A rabbits, option B rats, option C gibbons and option D all of these. Question number 16. Comparatively, orangutan is a recently discovered mammalian species which primarily belongs to. Question number 16. Comparatively, orangutan is a recently discovered mammalian species which primarily belongs to. Option A, apes. Option B, chimpanzee. Option C, gorilla. And option D, none of these. Answer kise check karte hain. Question number 13 ka right option is C, beavers. And question number 14 ka right option is D, all of these.
क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ए रैबिट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ए एप्स. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, डक विल्ड प्लैटिपस इज अ, ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी प्लेसेंटल मैमल, ऑप्शन सी मोनोट्रीम एंड ऑप्शन डी मार्सुपियल. क्वेश्चन नंबर 18, द ओड टोड अंगुलेट्स आर टर्म्ड एज, द ओड टोड अंगुलेट्स आर टर्म्ड एज, ऑप्शन ए आर्टियोडेक्टाइल, ऑप्शन बी पेरिसोडेक्टाइल, ऑप्शन सी पैराडेक्टाइल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन एप्स एंड मंकीज आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर, ऑप्शन ए काइरोप्टेरा काइरोप्टेरा, ऑप्शन बी इंसेक्टिवोरा, ऑप्शन सी प्राइमेट्स एंड ऑप्शन डी एडेंटेटा. क्वेश्चन नंबर 20, ऑयल ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑयल ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए मस्क ग्लैंड्स, ऑप्शन बी सुडोरीफेरस ग्लैंड, ऑप्शन सी सेबेशियस ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी सेंट ग्लैंड्स. आई होप आपने क्वेश्चन 17 से 20 अपने आंसर्स जो है उनको नोट डाउन कर लिया है. आंसर किसे चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है सी डक विल प्लैटिपस इज अ मोनोट्रीम. एंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है बी पेरिसोडेक्टाइल्स. एंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है सी प्राइमेट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है सी सेबेशियस ग्लैंड्स. ऑयल ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज सेबेशियस ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, the members of the order Perissodactyl are also known as, given options mein option A hoofed mammals, option B ungulates and option C metatherian and option D monotremes. Question number 22, the egg-laying mammals such as duck-billed platypus are found in, option A Asia, option B America, option C Africa and option D Australia. Question number 23, Homo sapiens evolved from, option A Australopithecus, option B Homo erectus, option C Homo neanderthalensis and option D none of these.
क्वेश्चन नंबर 24 डैश टीथ परमिट बेटर डाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मोर डाइवर्स फूड गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए साइनोडोंट्स ऑप्शन बी हेट्रोडोंट्स ऑप्शन सी ऑर्थोडोंट्स एंड ऑप्शन डी टर्मिनेट आई होप आपने क्वेश्चन 21 टू 24 के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है आंसर किसे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है बी द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर पेरिस्टोडिक्टाइल आर आल्सो नोन एज अंगुलेट्स एंड क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया डक बिल प्लेटिपस आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया And question number 23 का right option है C. Homo sapiens evolved from Homo neanderthalensis. And question number 24 का right option है B. Heterodonts. Next slide पे चलते हैं. Question number 25. Which of the following are sensory hairs in mammals? Option A. Guard hairs. Option B. Vibrissae. Option C. Whiskers. And option D. Both B and C. Question number 26. Dash occur in hairless region, especially in foot parts of most mammals. I repeat, dash occurs in hairless region, especially in foot parts of mammal. Option A, sweat glands. Option B, apocrine glands. Option C, eccrine glands. And option D, scent glands. Question number 27. Fermentation of undigested food in many rodents and some primates primarily occur in. I repeat. Fermentation of undigested food in many rodents and some primates primarily occur in option A, colon, option B, jejunum, option C, rectum, and option D, cecum. Question number 28, dash is a phenomena found in rabbits in which they ate their fecal palates to give food a second pass through gut to extract nutrients. I repeat, strong statement hai, word se suniyega. Dash is a phenomena found in rabbits in which they eat their fecal palates to give food a second pass through gut to extract nutrients. Option A, fecal phagy. Option B, coprophagy. Option C, autophagy. And option D, none of these. आंसर की से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी डी मतलब बोथ बी एंड सी जिसमें के विब्रिसी एंड विस्कर्स बोथ आर सेंसरी हेयर्स इन मैमल्स
एंड क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी. Eccrine glands are occurring hairless region, especially in foot pads of most mammals. Option C. Question number 27 ka right option hai A. Colon. Fermentation of undigested food in many rodents and some primates primarily occur in colon. And question number 28 jo hai uska right option hai B. Coprophagy. Coprophagy is a phenomena in, found in rabbits in which they eat their fecal pellets to give food a second pass to the gut to extract nutrients. Option B. Coprophagy. Next slide pe chalte hain. Question number 29. Proteolytic enzymes are secreted in dash part of ruminants to proceed digestion in acidic medium. I repeat, proteolytic enzymes are secreted in dash part of ruminants to proceed digestion in acidic medium. Option A, rumen. Option B, omasum. Option C, reticulum. And option D, abomasum. Question number 30. Longest mammalian migrations are made by oceanic seals and dash. I repeat, longest mammalian migrations are made by oceanic seals and dash. Option A, otters. Option B, dolphins. Option C, whales. And option D, sea lions. Question number 31. Armadillos and anteaters belong to dash order. Option A, Zinnerthra. Option B, Folidota. Option C, Legomorpha. And option D, Rodentia. Question number 32. When searching for prey, bats produce dash per second. When searching for prey, bats produce dash per second. Option A, 10 pulses. Option B, 20 pulses. Option C, 30 pulses. And option D, 40 pulses. Next question, next slide. Answer ki se verify karte hain. Question number 29 to 32 ke answers. Question number 39 ka right option hai D. Abomasum. Proteolytic enzymes are secreted in abomasum part of ruminants to proceed digestion in acidic medium. देखो हर स्टेटमेंट जो होती है उसमें हमें कुछ नया क्वेश्चन भी मिल रहा होता है. जैसे हमें इसमें ये जो पॉइंट मिल रहा है कि जो इस जो एबोमेसम पार्ट है रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक का या स्टमक का उसमें एसिडिक मीडियम होता है. तो जो स्टेटमेंट है वो आपको दोनों तरह से हेल्प करती है. वो एक तो आपको उसमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं वो भी आंसर बता रही होती है और वो स्टेटमेंट में ही आपको जो है वो नई जो है वो दूसरा ऑप्शन मिल रहा होता है कि ये क्वेश्चन जो है वाइस वर्सा भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है वेल्स यानी कि ऑप्शन सी. Longest mammalian migrations are made by oceanic seals and whales. And question number 31 ka jo right option hai that is A. Armadillos and anteaters belong to Zinnerthra order. And question number 32 ka right option hai A. 10 pulses. When searching for prey, bats produce 10 pulses per second.
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. ऑल मैमल्स हैव हेयर एक्सेप्ट इन ऑर्डर. ऑल मैमल्स हैव हेयर एक्सेप्ट इन ऑर्डर. ऑप्शन ए काइरोप्टेरा, ऑप्शन बी केटकेसिया एंड ऑप्शन सी रोडेंशिया, ऑप्शन डी प्राइमेट्स. क्वेश्चन नंबर 34. चीजल लाइक इंसाइजर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. ऑप्शन ए कार्निवोरा, ऑप्शन बी इडेंटेटा, ऑप्शन सी रुडेंशिया एंड ऑप्शन डी काइरोप्टेरा. क्वेश्चन नंबर 35. टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर एलोंगेटेड. टस्क ऑफ एलिफेंट्स आर एलोंगेटेड. ऑप्शन ए मोलर्स, ऑप्शन बी प्रीमोलर्स, ऑप्शन सी इंसाइजर्स एंड ऑप्शन डी कैनाइन्स. क्वेश्चन नंबर 36. यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय. यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय. ऑप्शन ए हेयरी स्किन, ऑप्शन बी ट्रू प्लेसेंटेशन, ऑप्शन सी स्किन विद ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी लोकोमोटरी हाइंड लिम्ब्स. आंसर की से चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी केटकेसिया. ऑर्डर केटकेसिया जो है उसमें हेयर प्रेजेंट नहीं है मैमल्स में. एंड क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है सी रुडेंशिया. रुडेंशिया में जो इंसाइजर्स है एनिमल्स के दैट आर चीज़ लाइक. एंड क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है बी प्री मोलर्स. प्री मोलर्स आर टस्क ऑफ एलिफेंट्स या एलोंगेटेड premolars हैं, they function as tusk of elephant. And question number 36 का right option है B. True placentation is a characteristic feature of eutherians. Question number 38. Field mice and squirrels are dash because they have recurrence of estrus during breeding season. आई रिपीट स्टेटमेंट को जरा समझ के आंसर नोट डाउन कीजिएगा. फील्ड माइस एंड स्क्विरल्स आर डैश बिकॉज़ दे हैव रिकरेंस ऑफ एस्ट्रस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. ऑप्शन ए मोनोएस्ट्रस, ऑप्शन बी पॉलीएस्ट्रस, ऑप्शन सी ट्राइएस्ट्रस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. Question number 39. In red kangaroos, embryonic diapause last 4 dash during which first jaw is growing in pouch. I repeat. In red kangaroos, embryonic diapause last 4 dash during which first jaw is growing in pouch. Option A 255 days. Option B 235 days. Option C 245 days and option D 255 days. Question number 40. The well-known fecundity of rabbits enables them to produce litters of 3 or 4 young as many as dash per year. रिपीट स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा, समझ के आंसर नोट डाउन कीजिएगा. द वेल नोन फेकेंडिटी रेट्स ऑफ रैबिट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस लिटर्स ऑफ 3 or 4 यंग एज मैनी एज डैश पर ईयर. ऑप्शन ए 5 टाइम्स, ऑप्शन बी 6 टाइम्स, ऑप्शन सी 10 टाइम्स and option D 2 times.
आंसर किसे चेक करते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है बी पॉलीएस्ट्रेस. फील्ड माइस एंड स्क्विरल्स आर पॉलीएस्ट्रेस बिकॉज दे हैव रिकरेंस ऑफ एस्ट्रेस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. एंड क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है बी 235 days. In red kangaroos, embryonic dipause lasts for 235 days, during which first jar is growing in pouch. Option B. Question number 40. Question number 40 का जो right option है वो जी है A. 5 times. Well-known fecundity of rabbits enables them to produce litters of 3 or 4 young as many as 5 times per year. Next slide पे चलते हैं. Question number 41. The ruminant mammals are included in option A Sirenia, option B Artiodactyla, option C Insectivora, and option D Proboscidea. Question number 42. Sudoriferous glands in the skin of mammals secrete dash option A oil, option B sweat, option C wax like material, and option D milk. Question number 43. Stomach of ruminants is a 4-chambered structure. Which of the following is called as true stomach? I repeat, stomach of ruminants is a 4-chambered structure. Which of the following is called as true stomach? Option A, rumen. Option B, reticulum. Option C, omasum. And option D, abomasum. Question number 44. Carnassial apparatus is found in the member of the order. Option A, Artiodactyla. Option B, Carnivora. Option C, Rodentia. And option D, Primates. आंसर की से चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है बी आर्टियोडैक्टाइला. एंड क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन है बी स्वेट. सुडोरीफेरस ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ मैमल सिक्रीट स्वेट. क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन है एबोमेज़म. स्टमक ऑफ रुमिनेंट्स इज अ 4-चैम्बर स्ट्रक्चर एंड एबोमेज़म इज नोन एज ट्रू स्टमक. क्वेश्चन नंबर 44. कार्नेशियल अपरेटस इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर कार्निवोरा. ऑप्शन बी. Question number 45. There are total dash species in class Mammalia. Option A 3000. Option B 4000. Option C 49,000, 4900. And option D 5000.
Question number 46. Elephants belongs to dash order. Option A, Rodentia. Option B, Sirenia. Option C, Carnivora. And option D, Proboscidea. Question number 47. Opposable thumb is a characteristic feature of option A, Lagomorpha. Option B, Primates. Option C, Edentata. Option D, none of these. Question number 48. All marsupials are found in Australia except option A, kangaroo. Option B, koalas. Option C, possum. And option D, wombat. आई होप आपने क्वेश्चन 45 से 48 के जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है. आंसर की से चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन है बी, 4000. देयर आर टोटल 4000 स्पीशीज इन क्लास ममेलिया. एंड क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन है डी, एलिफेंट्स बिलोंग्स टू प्रोबोसिडिया ऑर्डर. एंड 47 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है बी, प्राइमेट्स. Opposable thumb is a characteristic feature of primates. And question number 48 ka jo right option hai, that is C, possum. All marsupials are found in Australia except possum. Question number 49. Which of the following mammal is categorized as laziest animal of the world? Option A, koala. Option B, sloth. Option C, panda. And option D, a possum. Question number 50. Gestation period of baleen whale is option A, 20 months. Option B, 22 months. Option C, 15 months. And option D, 12 months. आंसर किसी चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, स्लॉथ. स्लॉथ इज कैटेगराइज्ड एज लेजीएस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. एंड क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, 12 मंथ. गेस्टेशन पीरियड ऑफ बेलीन वेल इज 12 मंथ. आई होप आपने अपने जो आंसर्स हैं उनका जो स्कोर, जो आपका टोटल स्कोर मैंने उसको आपने कैलकुलेट कर लिया होगा. और बहुत सारी आपने देखा होगा टेस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि सिलेबस में या इतने कॉमनली हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं होते या जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं समझते. बट बेसिकली जो हमारे आपके सामने जितने भी टेस्ट लाने का मकसद है उनका जो कोर पर्पस है वो यही है कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और दूसरा कि स्टेटमेंट्स ऐसी हों जो कि आपको आंसर तो दे रही होंगी लेकिन उसके मजीद क्वेश्चन भी सजेस्ट कर रही होंगी कि इसमें से मजीद क्वेश्चन भी बन सकते हैं. और अगर आप हर जो टेस्ट है उसको साथ साथ नोट डाउन भी करें तो आपके खुद के बहुत अच्छे नोट्स अब तक प्रिपेयर हो चुके होंगे जितने टेस्ट और जितने लेक्चर्स हो चुके हैं. और माशाल्लाह से जितनी भी जूलॉजी की या बायोलॉजी के जो मेजर फील्ड्स थी या इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी उनको सबको कवर किया लेक्चर्स में और टेस्ट में. और इंशाल्लाह जब तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने और हमारा ये एम है और ये हमारा मकसद भी है कि हम जो है इसको अपने जो टेस्ट सेशन है इसको इसी तरह कंटिन्यू रखें, अपने लेक्चर्स को भी कंटिन्यू रखें. और आप सब जो हैं
वायलेट चुड़िया के साथ रहिएगा, अपने सारे लेक्चर्स भी अटेंड करें, अपने सारे टेस्ट भी अटेंड करें, अटेम्प्ट करें टेस्ट को, और इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट होगा. गुड लक टू एवरीवन. अल्लाह अल्लाह हाफिज़.